नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। स्कूल जाने वाले बच्चों के कंधों से बसों का भारी बोझ अब कम हो सकता है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिया है। इसमें बच्चों के स्कूल बैग का वजन और उन्हें दिया जाने वाला होमवर्क भी गाइडलाइंस के मुताबिक रखने की बात कही गई है। अलग अलग कक्षाओं के मुताबिक स्कूल बैग का वजन मंत्रालय की ओर से तय कर दिया गया है। साथ ही स्कूल बैग में कोई एक्स्ट्रा किताब या भारी सामान रखकर लाने की भी मनाही की गई है, ताकि बच्चों का बैग बेवजह भारी ना हो। किस क्लास के बच्चों को कैसा और कितना होमवर्क दिया जाए, इसे लेकर भी नियम बनाए गए हैं। आपको जानकारी होगी कि बच्चों पर बस्तों के बोझ को लेकर ये चर्चाएं कोई नई नहीं है। इसी मामले में 1992 में प्रोफेसर यशपाल समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन इस दिशा में इससे पहले कोई कारगर पहल नहीं हुई। अब नई गाइडलाइंस से मासूम बच्चों को राहत मिलने की कितनी उम्मीद है, उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए इस तरह की पहल कितनी अहम है, और इन सब के बीच सवाल ये भी है कि इन गाइडलाइंस का असर कितना पड़ेगा। कमर्शियलाइज हो चुके निजी स्कूलों पर इसे मानने की कितनी बाध्यता रहेगी, निजी प्रकाशन की किताबों और फीस की मनमानी को लेकर जो गाइडलाइंस पहले जारी किए गए थे उनका क्या हुआ, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी इस दिशा में कितनी बनती है, इन्हीं तमाम मसलों पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले समझते हैं कि स्वास्थ्य के लिहाज से मासूमों के लिए कितना अहम है ये नियम जो बनाया गया है, कितने अहम गाइडलाइंस हैं जो मंत्रालय की ओर से जारी किए गए हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर निर्मेश भल्ला जुड़ गए हैं, ऑर्थोपेडिक हैं, लोहिया अस्पताल में। आपका बहुत स्वागत है सर। बच्चों के स्वास्थ्य के लिहाज से अगर बात करें, न सिर्फ उनका शारीरिक स्वास्थ्य, जो कि बस्ते का बोझ बहुत ज़्यादा होता है और इसीलिए उन पर असर पड़ता है, उनके कंधों पर, उनके पूरे शरीर पर, और साथ ही उनके मानसिक स्वास्थ्य की भी बात कर लें, क्योंकि होमवर्क की भी बात है इसमें कि होमवर्क कितना दिया जाए कि नहीं दिया जाए, और कक्षा के हिसाब से कैसे उसे कैटेगराइज किया जाए। तो इन गाइडलाइंस का क्या महत्व है बच्चों के हेल्थ को लेकर? देखिए, ये सरकार की तरफ से बहुत बड़ी पहल है जी। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो मासूम बच्चे हैं, जो आप रोज सुबह देखते होंगे स्कूलों में लेके जाते हैं अपने बैग संभालते हुए, जितना उनका वजन होता है उतना ही वजन उन बच्चों के बैग्स का होता है जो अपने कंधे पर लेकर घूमते हैं। इससे बच्चों के ऊपर शारीरिक मानसिक दोनों ही असर पड़ते हैं। मानसिक जो है असर बाद में आते हैं, लेकिन शारीरिक असर भी दो तरीके से होते हैं। एक इमीडिएट असर होते हैं, कुछ क्रोनिक असर होते हैं। जो इमीडिएट असर हैं उसमें तो ये है कि बच्चा जो है जब वो अपने बैग को एक कंधे पर उठाता है या दोनों कंधे पर उठाता है, तो मसल्स में अगर उसका वजन बहुत ज़्यादा है तो कंधे की और गर्दन की जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो जल्दी फैटीग हो सकती हैं, उनमें स्ट्रेन और स्प्रेन्स आ सकते हैं, और समय के साथ उसमें डिफॉर्मिटीज़ डेवलप हो सकती हैं। और जो और भी अगर लंबा समय वो इसी तरीके से चलते हैं तो उनमें इमोशनल चेंजेस भी आ जाते हैं, जैसे उनका जो है अटेंशन स्पैन जो है वो कम होने लगता है, बच्चे में चिड़चिड़ाहट आने लगती है, वो स्कूल जाने की इच्छा नहीं करती है। आप देखेंगे जो स्कूल जिन वो बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ पे कम बैग जो उनका बोझा कम है, वो खुशी खुशी स्कूल जाते हैं। जहाँ होमवर्क कम दिया जाता है या जो भी होमवर्क है या जो भी पढ़ाई है वो बच्चे अगर स्कूल में ही कर लेते हैं और घर पर आके वो जो है होमवर्क का वो कम रहता है, प्रेशर कम रहता है, और उनका बैग्स का अगर वजन कम है, तो उन बच्चों को अगर आप कंपैरिजन करें जो और बाकी बच्चे हैं, तो बच्चे आप देखेंगे कि जो है सुबह जल्दी उठ भी जाते हैं, स्कूल के नाम से वो खुश होकर स्कूल जाते हैं। लेकिन बच्चों के बारे में ये भी कहा जाता है कि शारीरिक क्षमता उनकी होनी बहुत ज़रूरी है, और आजकल क्या होता है कि शहरों में रहने वाले खास करके जो बच्चे हैं उन्हें शारीरिक मेहनत करने का बहुत मौका नहीं मिलता है। क्या हम समझें कि इस तरह के प्रयास से जो उनकी शारीरिक क्षमता है उसे भी बढ़ाया जा सकेगा, क्योंकि अगर पहले से ही उनके कंधे में दर्द है और तमाम तरह की दिक्कतें उन्हें हैं, तो जाहिर है कि सीधा असर पड़ता है उनके पूरे कंडीशन पर, जो बॉडी जिस तरह से काम कर रही है उस पर। देखिए, जो बच्चे हैं जैसे 5 साल, 7 साल, 8 साल के बच्चे हैं,
उनकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि उनको जनरली पेंस नहीं होते हैं. लेकिन वही है, अगर बच्चे जो है अपने जो है वेट से 10% 20% बोझा अपने कंधे पर सुबह सुबह लेके चलता है तो एक्सरसाइज नहीं कही जाती है. वो एक्सरसाइज जो है कोई भी हम मूवमेंट करें, रिपीटेटिव मूवमेंट्स हो, एक टाइम स्पैन में हो, वो तो ठीक है. लेकिन अगर वो बोझा जो है बढ़ता ही जा रहा है उसका और सुबह ही सुबह उसके कंधे पे लाद दिया जाता है तो उसे एक्सरसाइज नहीं कहा जा सकता है. हाँ, ये जरूर है कि बच्चों में एडेप्टेशन पावर बहुत अच्छी होती है, वो उसको अडेप्ट कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसका असर शरीर पे पड़ता ही पड़ता है. बिल्कुल. तो बच्चों से रनिंग कराइए, बच्चों से एक्सरसाइज कराइए, लेकिन जो बोझा है जो कंधे पर लगातार बना हुआ रहता है वो बहुत ही नुकसान करता है उन बच्चों को. और इसीलिए जो मंत्रालय है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, क्योंकि बहुत वक्त से इतनी मांग उठ रही थी. पीके श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं अभिभावक संघ के. पीके श्रीवास्तव जी, हालांकि ये चर्चा नई नहीं है जैसा कि हमने कहा, और आप लोग भी इसके लिए आवाज़ें उठाते रहे होंगे. पहले भी कई तरह की गाइडलाइंस जारी हुई, इस मामले में नहीं लेकिन कभी फीस के मामले में, कभी जो निजी प्रकाशकों की किताबें हैं उनके मामले में, उनका कितना पालन हुआ? और आपको लगता है क्या कि ये जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं इसका असर होगा? मैडम देखिए, एसोचैम एक संस्था है वर्ल्ड की, उसने पूरे इंडिया में एक सर्वे कराया था और उसमें 5 से 12 वर्ष के बच्चों जो हमारे देश में है वो 82% बच्चे हैं जो बैग ढोते हैं. और उसमें ये पाया कि जो बच्चे बैग ढो रहे हैं उन्हें हड्डी की बैग की प्रॉब्लम आ रही है और हमारे बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं. और जो भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जो ये आदेश जारी किया है इसका स्वागत करता है अभिभावक कल्याण संघ. और सबसे मुख्य बात है कि इसका क्रियान्वयन होना चाहिए और स्कूल माफिया जो हैं शिक्षा प्रबंधक उसको निश्चित रूप से इस बैग की प्रथा को जो शासन आदेश जारी किया गया है भारत सरकार द्वारा इसका अनुपालन वो करें. क्योंकि हमारा संगठन जो है कई वर्षों से हमारे शिक्षा माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और संगठन का एक उद्देश्य है कि शिक्षा माफियाओं के चंगुल में फंसी शिक्षा एवं अभिभावकों को शिक्षा माफियाओं से मुक्त कराना, ये हमारा संगठन का उद्देश्य है. और अभी फीस एक्ट भी आया, लेकिन फीस एक्ट एक कानूनी रूप एक कागजी कानून बन के वो रह गया कागजों में, लेकिन उसमें फीस में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है और अभिभावकों का शोषण उसी प्रकार से जारी है. फीस उससे ज़्यादा बढ़ा दी गई है और उस अध्यादेश का, उस कानून का कोई भी मतलब नहीं है. कोई कानून का कोई मतलब धज्जियाँ उड़ाते हैं जब तक इस एक्ट का और जो भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जो ये गाइडलाइंस बनाई है बैगों के लेकर, ये स्वागत योग्य है. लेकिन इसका क्रियान्वयन होना चाहिए, क्रियान्वयन कराए तभी ये हमारे बच्चे जो बैग ढो रहे हैं. और विदेशों में ये बैग की प्रथा है ही नहीं, पश्चिम देशों में, हमारे हिंदुस्तान में केवल इसमें एक ही इसमें कंसेप्ट है. और उनका जो शिक्षा माफिया शिक्षा प्रबंधक है उनका इस बैग को बढ़ाने में जो उनका जो प्रलोभन होता है उसमें जो पूंजी पैसा अर्जित करना होता है, लाभ कमाना होता है और प्रकाशक से सांठ गांठ करके मोटी मोटी किताबें लगाना, ये उनका उद्देश्य होता है कि एनकेएन प्रकरण किसी प्रकार से बैग भारी होगा तो किताबें ज्यादा होंगी, कापी ज्यादा होंगी तो उनको उसमें मुनाफा होगा शिक्षा माफियाओं का. इसमें ये मेन बात ये है. ये बहुत आप अहम बात कर रहे हैं कि कमर्शियलाइजेशन हो चुका है, जो निजी स्कूल हैं वो इस तरह से काम कर रहे हैं कि उनमें कॉम्पिटिशन. मैडम, वो शिक्षा प्रबंधक वो लोकसभा सदस्य हैं, विधानसभा विधान परिषद बैठे हुए, वो शिक्षा माफिया हमारे विभागों को शोषण कर रहे हैं. ये देश का दुर्भाग्य, देश की विडंबना है. यानी कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए जितना भारी बच्चे का बैग होगा उतना ही हम एफर्ट कर रहे हैं उस बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? हमारे साथ शिक्षाविद जुड़ गए हैं डॉक्टर जेपी मिश्रा. डॉक्टर साहब, कितना जरूरी है ये कि सही तरीके से लागू किया जाए, क्योंकि कोई पहली दफा नहीं है जब स्कूल में जाने वाले जो बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उनके कंधों पर कितना बोझ होता है किताबों का, उस बस्ते का, उस पर हम बात करते आए हैं. और मैं पढ़ रही थी, एक समिति बनी थी प्रोफेसर यशपाल समिति, जिसने 1992 में, आज नहीं आज से कई साल पहले, 1992 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, उसमें भी कई तरह के रिकमेंडेशन किए थे, उसके बावजूद कोई पहल अभी तक नहीं की गई. अगर पहल नहीं की गई तो इसके पीछे की वजह
क्या रही, क्या जो कह रहे हैं पीके श्रीवास्तव जी की कमर्शलाइजेशन हो गया है और निजी स्कूल माफिया की तरह काम कर रहे हैं, साठ गांठ है निजी प्रकाशकों के साथ, क्या ये एक वजह हो सकती है, क्या लापरवाही है सरकार की, और अब जब ये गाइडलाइंस मंत्रालय की ओर से जारी किए गए हैं कितनी बड़ी जिम्मेदारी है राज्य सरकारों की उसे लागू करवाने के लिए? मेरा मानना है कि 70 साल में जी शिक्षा को जितना नुकसान माइकेले पद्धति ने नहीं पहनाया पहुंचाया था उतना हमारी नई नीतियों ने पहुंचा दिया है। आप उदाहरण लेते हैं एसी क्लासेस बैठ के दिल्ली के अंदर बैठ करके आप सुदूर ग्रामीण अंचल के बच्चे के बारे में डिसीजन लेते हैं वहाँ बैठ करके, मुझे नहीं लगता किस तरीके से वो व्यवहारिक है। आप अगर याद करें गुरुकुलों की पद्धति हमारे यहाँ बहुत समृद्ध थी, तब सिलेबस निर्धारित करने का दायित्व गुरुकुलों का होता था, नीचे से ऊपर वो सिलेबस जाता, ऊपर से नीचे कभी नहीं आता। हिंदुस्तान में शुरू हुआ है अभी पिछले करीब 20-25 साल से, इससे पहले ऐसा नहीं था। जो जुड़ा हुआ है ग्राउंड लेवल पे, प्रिंसिपल जुड़ा हुआ है, टीचर जुड़ा हुआ है, वो बता सकता है कि उस क्षेत्र का बच्चा क्या पढ़ सकता है। और बच्चे की पढ़ाई आप यूनिवर्सल नहीं कर सकते पूरे दिल्ली की, बंगलोर की और सुदूर अंडमान निकोबार के गाँव की, आप एक जैसी नहीं कर सकते दसवीं तक। इसीलिए जनरल एजुकेशन की बात जो कही गई थी वो ये कही गई थी लोकल पद्धतियों के हिसाब से, लोकल परिस्थितियों के हिसाब से वहाँ का सिलेबस तय किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक तय कर दिया कि साहब पहली दूसरी कक्षा में क्लास वर्क नहीं, होमवर्क नहीं दिया जाएगा। कहाँ सीखा इन्होंने, मैं बड़े स्पष्ट तरीके से कह रहा हूँ, एक आईएएस या मंत्रियों की टीम विदेश गई होगी, उन्होंने वहाँ देखा होगा क्लास एक दो में होमवर्क का नहीं दिया था, आते ही वहाँ पर इन्होंने आके मीटिंग करी होगी और कहा होगा यहाँ भी एक दो में होमवर्क नहीं दिया जाएगा। उसके पीछे बैकग्राउंड पर ध्यान नहीं दिया, एक दो में होमवर्क नहीं दिया था बिल्कुल सही बात है, बस्तावा नहीं दिया था बिल्कुल सही बात है, बच्चे की किताबें कॉलेज के अंदर बने हुए लॉकर्स में जमा कराई जाती हैं, वहीं बच्चा निकालता है, वहीं पढ़ता है, वहीं होमवर्क करता है, वहीं जमा कर देता है, तो घर में खाली हो जाता खाली जाता है। ऐसी कोई व्यवस्था बनाने के पीछे क्यों नहीं ध्यान जाता है हमारा, क्योंकि कई बार ये भी बहस होती है कि देखिए ऐसा कीजिए कि दो सेट्स रखिए, टू सेट्स ऑफ बुक्स हो, एक घर में रहे एक स्कूल में रहे, जब स्कूल में बच्चा आए तो अपने लॉकर से वही किताबें निकाल करके पढ़े और बस्ते का बोझ नहीं हो, घर जाकर अपने दूसरे जो सेट हैं किताबों के उससे पढ़ाई करे। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक अगर नहीं बनी तो इसका सबसे बुरा असर किस पर पड़ रहा है सर, बच्चों पर ही ना। डबल सेट की बात आप करेंगे तो अभी श्रीवास्तव साहब कह रहे थे, वैसे स्कूल वालों माफियाओं का नाम अभी ले रहे थे आप, अभी डबल सेट की दो किताबें रखनी पड़ेंगी, घर में रखें स्कूल रखें तो बच्चे पे और आर्थिक नुकसान होगा उस बच्चे का। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि यही होना चाहिए, मैं ये कह रही हूँ कि अब तक अगर ऐसा कोई भी नियम नहीं बनाया गया, ऐसा कोई भी हल अगर नहीं निकाला गया तो उसका सबसे बुरा असर किस पर पड़ रहा है, और अब अगर मंत्रालय की ओर से कोई गाइडलाइन जारी किया गया है तो क्या वो जरूरी नहीं था, क्या उसका सकारात्मक पहलू जो है उसे हमें नहीं देखना चाहिए? मैं तो आपसे ये समझने की कोशिश, मंत्रालय की गाइडलाइंस बिल्कुल अवैज्ञानिक है, आप उनको समझने की कोशिश कीजिए। वैज्ञानिक ने कहा, मंत्रालय ने कहा कक्षा एक से दो तक कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा, ठीक है मैं सहमत हूं। तो होमवर्क पर मैं आऊंगी, लेकिन स्कूल बस्ते का जो बोझ है उस पर तो बोलिए पहले। बोझ बच्चे का कब होना चाहिए इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये कहना कि बच्चे का बोझ कम करके उसकी पर्सनल डेवलपमेंट में या विभिन्न प्रकार की शिक्षा के आयामों में जहाँ पे हम उसको पढ़ाने की बात करते हैं, आज हमारा अभिभावक चाहता है कि बच्चा शुरू से ही जो है क्रिएटिव भी हो जाए, विभिन्न प्रकार की नॉलेज भी उसको आ जाए, इवन देन कई लैंग्वेजेस उसको आ जाए सीखने की, अगर वो ये हमारी धारणा है अगर हम बच्चे का व्यक्तित्व विकास करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमको बच्चे बोझ बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, किताबें ज़्यादा हो गया आप स्कूल में रख दीजिए, हम नहीं कहीं सहमत है बच्चा कंधे पे लाद के लाए, नहीं ला सकता गार्जियन पहुँचा दे स्कूल में, लेकिन हम इस बात पर केवल कि बच्चे का कंधा खराब हो जाएगा हम जरूरी चीजें ना बताएं, नहीं है ये छोटी सी बात नहीं है ये सर। और इसीलिए जब पीके श्रीवास्तव ये कह रहे हैं कि बोझ इसीलिए भी बढ़ाया जा रहा है क्योंकि साठगांठ होता है, जो निजी प्रकाशन जो प्रकाशक हैं उनका और निजी स्कूलों का साठगांठ होता है, वो ये चाहते हैं कि अभिभावक जो है वो नई नई किताबें खरीद करके बच्चों को देते चले जाएं और अभिभावकों को ये लगे कि वाकई उन किताबों का इस्तेमाल हो रहा है, वाकई उससे बच्चे पढ़ रहे हैं, इसलिए रोज उसको ढो करके स्कूल लाइए और फिर स्कूल से घर ले जाइए, और इसका सबसे बुरा असर बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ता है जो कि ये बता रहे थे अभी डॉक्टर निर्बेश भल्ला भी। और एक और बात इसमें ऐड करना बहुत जरूरी है कि बीच में इस बात पर भी बहस हुई थी कि किताबें जो हैं वो निजी प्रकाशकों की हो या नहीं हो, क्योंकि जो उसमें तथ्य होते हैं जो उसमें विषय वस्तु होती है उस पर भी तमाम चर्चाएं हैं, तो सीबीएसई ने ये गाइडलाइन जारी किया था, उसने ये निर्देश दिए थे कि सिर्फ एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएं स्कूलों में, लेकिन उसका भी कोई खास असर नहीं हुआ, निजी स्कूलों ने उसको पालन करना जरूरी नहीं समझा, उसके पीछे भी तमाम कारण हैं जिसका हम जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर निर्मेश भल्ला, मैं फिर से एक बार आपके पास आना चाहूंगी और
दो बातें, एक तो ये कि क्या इसे हम ये कहकर टाल सकते हैं कि देखिए सिर्फ इसलिए क्योंकि बच्चों के कंधों पर बस्ते का बोझ पड़ रहा था इसलिए हम किताबों की संख्या कम कर दें, ये ठीक नहीं है क्योंकि क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है, क्या ये छोटी सी बात है, कितना गहरा असर पड़ता है उनके स्वास्थ्य पर, एक बात। और दूसरा जो मेंटल हेल्थ की हम बात कर रहे थे वो रह गई थी कि होमवर्क कितना दिया जाता है, क्या इसका ध्यान रखना जरूरी है। अगर बहुत सारा होमवर्क बच्चे को दे दिया जाए, वो घर से वो स्कूल से घर जाए और वहां पर भी उसके जहन में यही चलता रहे कि हमें मुझे होमवर्क पूरा करना है, वो ठीक से खेल भी नहीं पाए, उस पर प्रेशर रहे, तो ये कितनी खराब स्थिति होती है किसी बच्चे के लिए। बिल्कुल खराब होती है। हाँ। अगर बच्चे के ऊपर पढ़ाई का भी जो हमारी फॉर्मेटिव एज है, हाँ। जो हम बच्चे जो हम कहते हैं क्लास फिफ्थ तक, स्टैंडर्ड फिफ्थ तक जो बच्चों का जो है तरीका पढ़ाने का यही होना चाहिए कि जो एजुकेशन आपको क्लास में देनी है क्लास में दीजिए, और घर के लिए कोई ऐसे स्कूल हैं लखनऊ में जो बच्चों को अपने क्लास में पढ़ाते हैं, उसके बाद नो होमवर्क नो एग्जामिनेशन, ऐसे स्कूल्स हैं लखनऊ शहर के अंदर हैं, और इसी मॉडल पे और भी स्कूल्स डेवलप किए जा सकते हैं, ये पॉलिसी मेकर्स का सवाल है जी। लेकिन ये तो डेफिनेट है कि अगर बच्चे के स्कूल का बैग इतना भारी है कि बच्चा उसे उठा नहीं पा रहा है, वो संभाल नहीं पा रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने कपड़े नहीं संभाल पा रहे हैं, वो इतना बड़ा बैग कैसे संभालेंगे, और ये तो फैक्ट है कि धीरे धीरे इन लॉन्ग रन बच्चों की सेहत पे असर पड़ता है जी। और होमवर्क, हाँ होमवर्क भी क्लास फिफ्थ तक तो मेरे नॉलेज हिसाब से तो कोई होमवर्क नहीं होना चाहिए। इसमें तो क्लास फिफ्थ की बात भी नहीं की गई, जो गाइडलाइंस हैं उसमें ये कहा गया है कि फर्स्ट और सेकंड तक आप होमवर्क मत दीजिए, उसके बाद होमवर्क दीजिए, लेकिन कितना दीजिए, किस विषय में दीजिए, ये एक नियम के तहत तय किया गया है ताकि बच्चों पर बहुत बोझ ना पड़े। इसको और एक्सटेंड कर देना चाहिए, फिफ्थ स्टैंडर्ड तक कोई होमवर्क नहीं होना चाहिए मेरी हिसाब से जो है। आपको ऐसा लगता है पीके श्रीवास्तव जी? बिल्कुल डॉक्टर साहब सही बात कह रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि बच्चों का कक्षा पाँच तक होमवर्क नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा मानना वो है, एक पॉलिसी डिसीजन है, लेकिन कहना यह है कि बहुत होमवर्क अगर होता है तो क्या बच्चों पर वाकई असर पड़ता है, और उनके जहन पर, उनके मानस पर, उनकी क्रिएटिविटी पर क्या बहुत असर पड़ता है, क्योंकि बच्चे क्या होता है कि जब पढ़ रहे होते हैं स्कूल में, घर आते हैं तो फिर उनके दिमाग में वही चले, या फिर वो कुछ और भी नया सोच सकें, इधर उधर देश दुनिया समझ सकें, देख सकें, क्या उनको खुला छोड़ना जरूरी है? देखिए सुबह जी, मेरा ये मानना है, मैं भी एक स्पोर्ट्स मैन इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी था हूँ, देखिए जब तक स्पोर्ट्स बच्चों को हमारे युवा को नहीं सिखाया जाएगा, और एक NCC और स्काउट है वो यार प्राइवेट स्कूल में कंपलसरी है, कोई भी स्कूल कॉलेज स्काउट और NCC नहीं कराते हैं, और स्पोर्ट्स PT एक घंटे का या आधे घंटे का PT व्यायाम जरूर कराना चाहिए, ये ऐसा मेरा मानना है। जब तक बच्चे, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा वही मानसिक रूप से फिट होगा, जब तक स्पोर्ट्स नहीं करेगा कोई भी युवा, कोई भी बच्चा, शरीर में ही स्वस्थ मन जो है वो बसता है। यस यस, स्वामी विवेकानंद जी का मानना था, और स्वामी विवेकानंद जी ने स्वामी विवेकानंद जी कलकत्ता के अंदर वेट लिफ्टिंग सेट सबसे पहले मंगाया था इंडिया के अंदर अपने शिष्यों के स्वस्थ रहने के लिए। उनका मानना था कि जब शारीरिक रूप से हमारे शिष्य फिट होंगे तभी हमारे समाज के लिए शिष्य काम कर सकते हैं। वेट लिफ्टिंग का सेट कलकत्ता के अंदर उन्होंने सबसे पहले मंगाया था अपने शिष्यों के लिए। बिल्कुल सही बात है। और शिक्षाविद होने के नाते डॉक्टर JP मिश्रा, आप मुझे ये बताइए कि जो कंटेंट है वो कंधे पर होना चाहिए या दिमाग में होना चाहिए, जो क्रिएटिविटी है वो बस्ते में होना चाहिए या दिमाग में होना चाहिए, और अगर दिमाग में होना चाहिए तो बस्ते पर, कंधे पर इतना बस्ते का बोझ क्यों फिर? मैं बिल्कुल आपके पास सहमत हूँ। हाँ। क्रिएटिविटी दिमाग में होनी चाहिए, बस्ते बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ। लेकिन होमवर्क देना है नहीं देना है, कैसे पढ़ाना है, ये केवल टीचर्स तय करेंगे, और किसी को अधिकार नहीं मिला हुआ है, कोई इसमें क्वालिफाइड भी नहीं है तय करने के लिए कि बच्चे को होमवर्क दिया जाए कि नहीं दिया जाए। मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपको, विदेशों में 12th, 10th तक कोई एग्जाम नहीं होता, इसलिए उनको होमवर्क नहीं दिया था, लेकिन होमवर्क उसके पीछे दूसरी धारणा है। हमारी परिस्थितियाँ और विदेश की परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है, हम उनकी स्कीम्स को हिंदुस्तान में लागू नहीं कर सकते, और लागू करके अगर लागू कर देंगे तो हमारा जैसे अब तक सत्यानाश हुआ है एजुकेशन का, और आगे होता रहेगा अगले वर्षों में। वहाँ क्या है, अगर एक दो में काम नहीं दिया जा रहा है तो बच्चे को गार्जियन शाम को गार्डनिंग सिखाता है, कार साफ करना सिखाता है, खाना बनाना सिखाता है, क्रिएटिव वर्क, बिजली कराना ठीक कराना सिखाता है, मतलब बच्चे को जोड़ता है। हमारे यहाँ बच्चे कुछ नहीं कराया था,
हम अगर बच्चे से क्लास में झाड़ू लगवा लें बाय द वे तो तूफान मच जाएगा पूरे देश में। हम बच्चे को वर्क से परिचित कराना चाहते हैं कि फिजिकल लेबर क्या होता है, अगर परिचित कराने क्लास चलाए हमें एक और क्लास में झाड़ू लगवा दें बाय द वे या जाला साफ करा दें एक बार तो पूरा तूफान मच जाएगा। अगर एक व्यवस्था के तहत बच्चों से क्या कराया जा रहा है, मतलब ये सब पर्सनालिटी के उसी तरह के स्कूल में पढ़ रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, पर्सनल डेवलपमेंट का हिस्सा है। अगर व्यवस्था नहीं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तहत एक व्यवस्था के तहत वो कराया जा रहा है, बागवानी कराई जा रही है या फिर सफाई करवाई जा रही है, वो एक अलग केस है। लेकिन हम आवाज तब उठाते हैं, बवाल तब मचता है जब सरकारी स्कूल में कर्मचारी जो काम करना चाहिए उनको वो बच्चों से करवाया जा रहा है, उनका क्लास जाया करके। उनको क्लास में उस वक्त होना चाहिए, वो क्लास में नहीं है, वो बाहर काम कर रहे हैं क्योंकि कर्मचारी नहीं आए हैं, उनके पास स्टाफ नहीं है तो बच्चों से ही काम करवा रहे हैं, बच्चों से बोझ ढोवाया जा रहा है। प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी स्कूल में एक भी चपरासी अलाउड नहीं होता। छोड़िए, आप प्राइमरी स्कूल में अगर टीचर झाड़ू लगाए या बच्चा झाड़ू लगाए को लगाना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो व्यवस्था बच्चे को श्रम के प्रति परिचित कराने गांधी जी ने भी कहा था अपनी नीति में, बच्चे को श्रम के साथ परिचित कराइए। क्लासरूम में जिस वक्त होना चाहिए, पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर उस वक्त वो क्लासरूम में नहीं है, बाहर झाड़ू लगा रहा है और जो कर्मचारी का काम है वो ये कर रहा है, तो जाहिर है कि सवाल खड़े होंगे और बहुत कर्मचारी है कहां ये बात पता करिए सरकार से, पूछिए सरकार का सरकार का काम है सर, बच्चों पर मत थोपिए आप उसको, वो सरकार का काम है। अगर कर्मचारी नहीं है तो कर्मचारी की भर्ती कीजिए। कौन करेगा, टीचर नहीं करेगा ना, ना प्रिंसिपल करेगा। सर मैं आपको नहीं कह रही हूँ साहब, आपको यहाँ पर बैठकर मैं जिम्मेदार नहीं ठहरा रही हूँ, लेकिन बच्चों पर थोप देंगे क्या? अगर कर्मचारी नहीं है तो बच्चों से करवा लेंगे। सरकार को बहुत शर्म की बात है, आपके माध्यम से सरकार को सोचना चाहिए। आप बोली ना अवेलेबल कराया तो आप भी करेंगे, सर आ रहे हैं कि बच्चों से काम करवाया जाए। अब प्राइमरी स्कूल में अभी लखनऊ के प्राइमरी स्कूल में टीचर ने झाड़ू लगवा लिया, उसको निलंबित कर दिया गया। सही बात है, होगा गलत किया गया, निलंबित मैं कहना चाह रहा हूँ। भटकाइए मत, आप सुनिए, बात जिस पर हो रही है उस पर रहिए। बात हो रही है कि जो होमवर्क है वो दिया जाए, कितना दिया जाए। आप कह रहे हैं कि शिक्षक तय करेंगे और कोई तय नहीं कर सकता। yes. अगर इतने वक्त से शिक्षकों ने सही तरीके से तय कर लिया होता तो क्या ये मानदंड, क्या ये गाइडलाइंस जारी करने की जरूरत होती? हम देख रहे हैं कि बच्चे भुगत रहे हैं उस बोझ को जो लगातार उनके कंधे पर है, हम देख रहे हैं कि होमवर्क का प्रेशर उनके ऊपर है। अगर वाकई शिक्षक ये तय कर लेते, निजी स्कूल अपने आप ये तय कर लेते तो क्या जरूरत थी बार बार अभिभावकों सलेबस को की। सलेबस सरकार तय करती है, स्कूल तय नहीं करते। पहली बात तो नंबर वन, सलेबस जो है जो तय होता है सरकार तय करती है, किताबें पब्लिशर उसी हिसाब से आते हैं। होमवर्क देना नहीं देना ये हमारा अपना वहाँ की परिस्थितियों के साथ डिपेंड करता है। ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में आपको इसमें अंतर करना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा जो है होमवर्क नहीं करेगा तो हमारे बराबर के जो आजकल की ये दौड़ चल रही है इसमें वो पिछड़ जाएगा। शहर का बच्चा होमवर्क नहीं करेगा उसे गार्जियन पढ़ा लेगा। हमारे 40% लोग अशिक्षित हैं, गाँव के रहने वाले उसके माता पिता अशिक्षित हैं, वो कोई काम नहीं कर सकते। अगर बच्चा हमारा उनके अगर पढ़े लिखे गार्जियन के साथ रेस में आना है बराबर उसको तो उसको होमवर्क देना ही पड़ेगा। बिना होमवर्क दिए बच्चा नहीं कर सकता, हम मानते हैं। होमवर्क दीजिए, होमवर्क देने से कोई मना नहीं कर रहा। और जो होमवर्क नहीं दिया था विदेशों में, सुन लीजिए, जो मेंटल प्रेशर है उसकी बात हो रही है, आप समझ ही नहीं रहे। मेंटल प्रेशर की बात हो रही है सर, होमवर्क कम दिया जाए, कम दिया जाए, वही कम दिया जाए, इतना दिया जाए, मेंटल प्रेशर ना हो उस पे। पीके श्रीवास्तव जी, अगर वाकई ये तय कर लिया गया होता, अगर वाकई इस दिशा में जागरूक होते तमाम शिक्षक और स्कूल, तो क्या हम इस बात पर बैठकर चर्चा कर रहे होते कि देखिए कितना प्रेशर होता है आजकल के बच्चों को, न सिर्फ स्कूली जो बस्ता है, जो किताबों का बोझ है उसको लेकर, बल्कि होमवर्क के प्रेशर पर भी तो हम बात करते ही हैं। अगर वाकई ये जागरूकता होती तो फिर जरूरत ही क्या थी गाइडलाइंस की? देखिए सुभा जी, इसमें मुख्य बात ये कि जो प्रबंध तंत्र हैं, जो स्कूल कॉलेज हैं हिंदुस्तान के अंदर, हम लोग इतनी फीस दे रहे हैं उसके बाद भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में हमारे अभिभावक जाते हैं, टीचर सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट कहेगी कि आप अपने बच्चे को ध्यान दीजिए, बच्चा आपका बर्तन ही है। हम लोग इतनी फीस दे रहे हैं, आप बच्चे को पढ़ाइए, होमवर्क क्यों दे रहे हैं? हम 10,000 रुपये महीना, 8,000 रुपये मंथली फीस दे रहे हैं तो हम होमवर्क के लिए नहीं दे रहे हैं। आप बच्चे को वहीं काम कराइए और बच्चा घर में जा करके अपने स्पोर्ट्स के लिए काम करे, अपने घर वालों के लिए काम करे और भी एक्टिविटीज वो पार्टिसिपेट करे। ठीक है, छोटा सा जवाब आपसे मैं चाहती हूँ डॉक्टर निर्मेश भल्ला जी, कि क्रिएटिविटी की बात बार बार हो रही है और बच्चों का क्रिएटिव होना सबसे ज्यादा जरूरी जी, है जी। वो क्रिएटिविटी क्या उनको बांध कर रखने से, बोझ बढ़ाने से होगी या फिर दिमाग को खुला छोड़ने से होगी? दिमाग को खुला छोड़ने से होगी। और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इसमें सरकारी और प्राइवेट कहाँ से आ गया। बच्चे सब एक जैसे होते हैं,
चाहे हिंदुस्तान के नॉर्थ के हों, चाहे हिंदुस्तान के साउथ के हों, चाहे ईस्ट के हों, चाहे वेस्ट के हों, सब बच्चे एक जैसे होते हैं। अगर बच्चों की ही बात हो रही है तो सब बच्चे एक जैसे हैं, इसमें सरकारी और प्राइवेट का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, एक समान स्कीम बननी चाहिए सबके लिए, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो बच्चा। दरअसल मैं बताती हूँ, बात वहाँ से आती है कि जब ये गाइडलाइंस इस तरह की जारी होती है तो सरकारी स्कूल तो मान लेते हैं कई बार, लेकिन जो निजी स्कूल हैं वो अपने निजी स्वार्थ के लिए वो नहीं मानते हैं और उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, चाहे वो स्कूली बस्ते का बोझ हो या फिर किताबों की बात हो या फिर ये जो होमवर्क की बात है वो, और इसीलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हर स्कूल पर इसको लागू करवाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का वक्त मेरे पास।